भाई आप यहाँ हो भी इस वक्त? हाँ यार, काम में अटक गया था, आते लेट हो गया। वैसे घर आया तो रितु ने बताया श्रीधर अंकल के बारे में। हाँ, I just pray कि वो जल्दी ठीक हो जाए, बहुत अच्छे इंसान है। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको? श्री कृष्णा न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल। वो तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, उम्मीद है कि उनका अच्छा इंश्योरेंस हो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई जिस सिचुएशन में तू था उस टाइम पे कोई ये सोचता नहीं है, तूने उनकी जान बचाई है, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई वो ठीक है, मगर मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया। तूने खाना नहीं खाया अभी तक? हाँ भाई भूख नहीं है। मैंने भी नहीं खाया है, चल मिलकर खाते हैं, आ जा। भाई सच्ची में भूख नहीं, आप खा लो ना प्लीज। यार थोड़ा सा खा ले। देख मुझे पता है कभी कभी फिक्र में भूख नहीं लगती, लेकिन उससे तबीयत खराब भी हो सकती है। चल आ जा खाते हैं। इतने सारे लोग एक साथ अंदर नहीं आ सकते, प्लीज एक एक करके आइए। सिस्टर हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट हम सबको मिल लेने दीजिए फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, पर सिर्फ 5 मिनट। ओके ओके। सॉरी जी, मुझे ना आपको ऐसे जबरदस्ती वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। मम्मी क्या कर रही हो? पापा को अभी परेशान मत करो। क्या पापा, आप तो पूरे जयपुर में फेमस हो गए हो, दो दो गुंडों से अकेले ही लड़ लिया। बैक 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 करा गया। वो बैग मिल गया है, तू आराम कर। कैसे मिला? तुम लोग सच बोल रहे हो? सच्ची बोल रहे पापा, बैग मिल गया है। वो निहार जी है ना, गोयल जी के बेटे, उन्होंने ही आपको गुंडों से बचाया है और यहाँ पे एडमिट किया है। भगवान का शुक्र है कि वो बैग बच गया। यार पापा जितने कड़क हैं उतना ही प्यार भी करते हैं तुझसे, बस दिखाते नहीं है। तू ना थोड़ा जिम्मेदार बन जा, फिर देख पापा के सामने मैं भी नजर नहीं आऊंगा। क्यों भाई, कोई कंपटीशन है क्या? और मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते वो? उतना भी बुरा नहीं हो यार। पापा वो मैं पूछने आया था कि श्रीधर जी कौन से हॉस्पिटल में है, तुमने कहा? मैं नाम भूल गया। श्री कृष्णा न्यूरोस्पाइन हॉस्पिटल। ठीक, और निहार आज तुमने वाकई अच्छा काम किया है। श्रीधर जी को जो तुमने ओके पापा, कोई गेस भी नहीं कर सकता था कि ऐसी बात होगी, और मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब है, क्या कर सकते। बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग सो जाओ। जी पापा जी। भाई हाँ भाई, ये कोई सपना तो नहीं था ना? प्लीज पिंच पिंच। क्यों? भगवान आज खुद दर्शन देने आ गए थे। देखिए 5 मिनट हो गए, अब आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। आप आराम कीजिए। हाँ रुचि, तूने अपने पापा से झूठ तो बोल दिया बेटा, लेकिन ये झूठ निभाना बहुत भारी पड़ेगा। वो तब देखेंगे मम्मी, अभी पापा को घर ले जाना है बस। भाई
आप तो एक ही जगह अटक कर खड़े हो गए। हारने का इतना ही शौक था तो पहले ही बता देते। ये अपने पापा के कॉपी हैं और इनकी बेटी इनकी कॉपी है। आज बहुत मजा आया भाई, ऐसे ही टाइम स्पेंड करने आ जाया करो, अच्छा लगता। अरे श्योर, अब ये हो ही नहीं सकता, आप एक बार ठीक से चेक कीजिए ना प्लीज। मैम आप पहली ऐसे इंसान होंगी जो बिल पे होने की टेंशन ले रही है। मैं कह रहा हूँ ना, एक लड़का आके बिल पे करके गया है, इनफैक्ट थोड़ा एडवांस भी जमा करके गया है। आपने पेशेंट नंबर ठीक से चेक किया ना? 22789 मिस्टर श्रीधर मित्तल। जी मैडम, आप बार बार पूछेंगी तब भी मेरा जवाब नहीं बदलेगा। किसने किया होगा बिल पे? विवेक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मेरे साथ FD तुड़वाने गया था। रवि अंकल से पूछ, कहीं उन्होंने तो पेमेंट नहीं की। मैं पूछती हूँ। हेलो पापा, आपने हॉस्पिटल में कोई पेमेंट किया आज? ओके, नहीं कुछ कंफ्यूजन हुई है इसलिए पूछ रही हूँ, अब मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। रुचि, पापा ने तो पेमेंट नहीं की। आपके पास उस इंसान की कोई भी डिटेल है क्या, चेक या कोई DD नंबर? कैश पेमेंट हुई है मैडम। इतना मेहरबान कौन हो गया हम पे कि हमारा पूरा बिल ही क्लियर कर दिया उसने? सर ये तो नहीं थी, है तो ये मेरी मम्मी, पर इनके बाल छोटे हैं और आवाज थोड़ी लड़कों जैसी है, बिना लिपस्टिक के उन्हें कोई लड़का समझ सकता है। बेवकूफ दिख रहा हूँ क्या मैं आपको कि मुझे औरत और आदमी में फर्क नहीं पता चलेगा? ज्योति ये मजाक का टाइम नहीं है। क्या हुआ, तू अचानक कहाँ खो गई? शायद मुझे पता है ये बिल किसने पे की। निहार, यस वही होगा, उसके सिवा और कोई आसपास हमारे इतना अमीर नहीं है। मैं इससे अभी बात करती हूँ। मेरा मर्डर करवा के मानोगी क्या? मतलब शेर की गुफा के बाहर ऐसे बकरियां मिला करती है क्या? शट अप निहार, कार थोड़ा दूर पार्क की है मैंने, और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं बचा है, और कुछ ही दिनों में मैं चली जाऊंगी। आई नो यार, मगर ये ऑफिस के चक्कर में ना मेरी सोशल लाइफ की फुल बैंड बजी हुई है। वैसे इतना क्या जरूरी काम था कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ तक आ गई? कल किसी ने मुझे धोखा दिया था तो मैं शॉपिंग करने चली गई, और मैंने फोन पे बताया भी लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। ताना मार रही हो मुझे? समझदार हो, इशारा समझ गए। अच्छा छोड़ो, तो कल मुझे एक चीज पसंद आ गई थी, वही दिखानी थी तुम्हें, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए गिफ्ट लाई हो? अरे अमृता, अभी तुम हिलना मत यहाँ से, मैं अभी आई। ऑटो, तू मम्मी के साथ रह ज्योति, और सुन उनको बताना मत कि निहार जी ने बिल पे किया है, मैं ये सब सही करके आती हूँ। कहाँ जा रही है सही करने? गोयल मेंशन। ओह शिट, क्या करूँ? ये लड़का यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? पता नहीं पापा, मेरे पास लैश ग्लू है। निहार,
आंख बिचोली खेलने की उम्र प्रिया की है, तुम्हारी नहीं। नहीं पापा, वो तो मैं बस ऐसे ही, वो ये मेरा नया हेडबैंड है तो आंखों पे आ गया था, इसे ही हटा रहा था। तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है नहीं। खैर ये बताओ, तुम ऐसे ये घर के बाहर क्या कर रहे हो? पापा वो अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आप कौन है? जी मैं रुचिता, श्रीधर जी की बेटी। पापा मैं इन्हीं से मिलने आया था। श्रीधर जी की तबीयत कैसी है बेटा? पहले से बेटर है अंकल। दरअसल निहार जी ने हॉस्पिटल का बिल पे किया था ना, तो मैं वही पैसे लौटाने आई हूँ। इन्होंने ऑलरेडी बहुत मदद की है, ये पैसे नहीं रख सकती मैं। बेटा श्रीधर जी हमारे परिवार के सदस्य हैं, पैसों की फिक्र मत करो तुम। तुम्हें काम आएंगे, रखो तुम्हारे पास और धीरे धीरे करके लौटा देना। लेकिन अंकल ये। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, रख लो पैसे। पापा चले, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ नमस्ते। थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। अगर आज आप नहीं आती तो पापा मुझे किसी ना किसी का डिनर बना देते। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आप इतना कुछ कर रहे हैं और ये पैसे, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। छोड़ो ये सब, मैंने कहा था ना मारवाड़ी फैमिली से हूँ, हिसाब का पक्का हूँ, और एक बार किसी को पैसे दे दिए ना तो भूलता नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल पैसे ले लूंगा। सीरियसली निहार? मैं वहाँ कब से कार के पीछे छुप के खड़ी हूँ ताकि अंकल ना देख ले, और उनके जाते ही तुम यहाँ इसके साथ गॉसिप कर रहे हो। सॉरी अमृता, मैं भूल ही गया था। अगर मैं याद रख लायक हूँ ही नहीं तो मैं यहाँ कर क्या रही हूँ? सॉरी मैं बिना बताए आ गई और आप दोनों को डिस्टर्ब किया। मैं चलती हूँ। अमृता मेरी बात तो सुनो। अमृता मतलब कल और आज कोई विड्रॉल हुआ ही नहीं है। ओके थैंक यू। पापा शायद निहार ने श्रीधर जी का हॉस्पिटल बिल अपने पॉकेट मनी से दिया है। ये खबर मेरे लिए किसी शौक से कम नहीं है। निहार ऐसा भी कुछ कर सकता है, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। पापा निहार के ऐसे कई साइड्स हैं जो दुनिया नहीं जानती, बस सही रास्ता पकड़ने की देर है। बेटा एक सच्चाई ये भी है कि इंसान जब कुछ कमाता नहीं है ना तो गंवाना आसान होता है। देखो अगर दरियादिली खुद के कमाए पैसों से हो तो गर्व की बात है। जी निहार ऑफिस आता है मेरे डर से, अपने मन से नहीं। उसे काम करने की लगन चाहिए और मैं उसे काम करने की वजह दे सकता हूँ। आज मैं और तुम दोनों बाहर हैं और श्रीधर जी भी ऑफिस में नहीं है। आज पूरा दिन निहार ऑफिस संभालेगा अकेले। पापा ऑफिस तो स्टाफ भी संभालेगा। हम स्टाफ को बता देंगे कि कोई निहार की मदद न करे और उस पर नजर रखे। अगर प्रेशर में निहार काम कर सकता है तो मान लेंगे कि उसमें काबिलियत है। और अगर वो हार गया तो? थैंक यू। कितना हुआ? मैम बेड और एसेसरीज का मिला के पर मंथ 30,000, और अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े तो आप बढ़ा भी सकती हैं। जी क्या भैया, 1,000 रुपया एक दिन का, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। मम्मी मंडी में आलू प्याज लेने आई हो क्या, जो तोल मोल कर रही हो? ये हॉस्पिटल के सामान होते हैं, इनके रेट फिक्स होते हैं ना। एक मिनट। हाँ हाँ ये लीजिए। काश तेरे पापा की जगह मुझे कुछ हुआ होता। क्या बोल रही हो मम्मी? ठीक तो कह रही हूँ बेटा, आज अगर तेरे पापा की जगह मेरी तबीयत खराब होती ना तो तेरे पापा सब संभाल लेते, और मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाती। मम्मी अब कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी आप खुद को कमजोर मत समझो, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। देखना पापा कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नरेश अंकल ने भी तो कहा है ना कि उनके पैसे हम आराम से दे सकते हैं। पर बेटा आज नहीं तो कल देने ही पड़ेंगे ना, बस देनदारी बढ़े जा रही है। और उस लोन वाले के 5 लाख भी तो देने हैं, वो भी ब्याज के साथ। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। क्या फायदा, तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है ना मेरी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई और तुम हो के किसी और के साथ ही बिजी हो। बिजी नहीं था, बस 2 मिनट की बात की थी उससे, वो भी इसीलिए क्योंकि उसी ने पापा से बचाया था मुझे। और अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं यार ऐसे थोड़ी तुम्हें सॉरी बोल रहा होता। पता नहीं अमृता, कभी कभी ना तुम मुझे कंफ्यूज कर देती हो। एक पल में एकदम चिल्ड आउट टाइप्स हो जाती हो और दूसरे पल में एकदम टिपिकल लड़कियों की तरह बिहेव करने लगती हो। यार अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ ना तो कोई फायदा नहीं, अलग ही हो जाते हैं ना। रुको निहार, I'm sorry. वो मैं जा रही हूँ ना तो तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बस इसलिए गुस्सा आ गया। और तुम इतना बिजी जो रहते हो अब, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पापा क्यों फोन कर रहे हैं, कहीं उन्होंने देख तो नहीं लिया। हेलो जी पापा। हाँ हाँ मैं मैनेज कर लूंगा। ओके मुझे जाना पड़ेगा अमृता, वो पापा और भाई कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्होंने ऑफिस संभालने के लिए मुझे कहा है। एक ही दिन की तो बात है, कितना ही मुश्किल होगा संभालना। सर एक बार ये शीट्स के सैंपल देख लीजिए। हेलो। अरे नहीं आपको नहीं। एक ही दिन की तो बात है, कितना ही मुश्किल होगा संभालना। सर कैटलॉग्स प्रिंट होना था, उसके लिए सजेशन चाहिए थे। श्योर दिखाओ। इसमें से कौन सी अच्छी है? इसकी हाइट कम है, ये वाली लड़की ज्यादा अच्छी है। सर मैं ज्वेलरी की बात कर रहा था। मजाक कर रहा था आप, ये ग्रीन वाले अच्छे हैं, इन्हें फाइनल कर दीजिए। आपकी पसंद अच्छी है सर। थैंक यू। सर एक बार ये शीट्स के सैंपल देख लीजिए। और सर आज आपके 3 बजे हमारे होलसेल डीलर्स के साथ में एक मीटिंग है और उसके बाद में पीआर टीम के साथ में आपकी मीटिंग। थैंक यू सर। हेलो जी जी जी। हेलो नहीं नहीं आपको नहीं, एक सेकंड होल्ड कीजिए। 20। हेलो अरे नहीं आपको नहीं। सर सर आपकी पहली वाली कॉफी तो ठंडी हो गई, ले लीजिए सर। एक दिन में कितना काम करते हैं यहाँ लोग। पापा ने आज तक घर के खर्चों का एहसास हमें होने नहीं दिया, अगर हम उनका थोड़ा भार कम कर दे तो। मतलब मैं नौकरी कर लेती हूँ ना। मुझे नहीं लगता हमें वो पैसे वापस मिलेंगे, मेरी जिद की वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा हो गया। इंसान कुछ नहीं करता उषा, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। जरूर इसमें भी उसकी कोई मर्जी होगी। तू हर बात पे अपने आप को दोष देना बंद कर दे। दादी बिल्कुल सही कह रही है मम्मी,
ऐसे रोने पीटने से, तकलीफों को दिन रात कोसने से वो अपने आप नहीं भागेंगे। वो बड़ी ढीठ होती हैं, इन्हें हमें ही कुछ करके भगाना होगा। तो क्या करें बेटा, तेरे पापा की तबीयत की फिक्र, सर पे इतना बड़ा लोड, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उषा सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। पापा ने आज तक घर के खर्चों का एहसास हमें होने नहीं दिया, सब कुछ वही खुद संभालते थे। अगर हम उनका थोड़ा भार कम कर दे तो। मतलब मैं नौकरी कर लेती हूँ ना, और वैसे भी ग्रेजुएशन की डिग्री मैंने चाय पिलाने के लिए थोड़ी ली है। तुझे कहाँ नौकरी मिलेगी बेटा? क्यों, नौकरियों का अकाल पड़ा है क्या? हर जगह पर तो लड़कियां नौकरी कर रही है, तो हमारी रुचि भी कर लेगी। और वैसे भी नौकरी करने में ना आजकल लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो रुचि भी कर लेगी। चलो रुचि नौकरी कर भी लेगी, कुछ पैसे कमा भी लेगी, लेकिन कोई भी तुझे इतनी तनख्वाह नहीं देगा बेटा कि हमारा पूरा लोन उतर जाए। मम्मी जितनी भी मिलेगी काम ही आएंगे ना, और हम घर के खर्चे संभाल भी तो सकते हैं, जैसे हम रूम से केबल हटा के हॉल में लगवा सकते हैं। हाँ, और मेरी मालिश वाली को भी हटा देंगे, कुछ दिन तुम लोग ही मेरी मालिश कर देना। और इस नालायक को भी मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी, कम से कम ट्यूशन की फीस भी तो बचेगी इसकी। कहाँ फंस गया? और सुनो, कल पापा आ रहे हैं, मुझे घर में कोई मनहूसियत नहीं चाहिए, ठीक है? मम्मी हम सब मिलकर काम करेंगे ना, तो सब मैनेज हो जाएगा। आखिर बुरे वक्त का कभी ना कभी तो बुरा वक्त आएगा ना। राकेश 8 बज रहे हैं, तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? निहार सर अभी तक ऑफिस में ही है, तो हम लोग कैसे जा सकते हैं? निहार अब तक ऑफिस में है? तुम लोग जाओ, मैं देख लेता हूँ। लड़का बना तीन पॉइंट EVS 3 ग्रेट क्वालिटी। निहार, निहार, निहार।